तो गाइस आज मुझे अकोला आए हुए पूरा एक महीना हो चुका है और अभी तक मैं अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी काउंसलिंग वेट ही कर रहा हूँ। आज उम्मीद है शायद आज शाम तक नोटिस आएगा। नोटिस के बाद ही मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में रहना है या वापस अपने स्टेट जाना है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है गाइस, आजकल 43-44 टेम्परेचर टच कर रहा है। दिन के इस वक्त तो बहुत मुश्किल है बाहर रहना, इसलिए अभी आप देख सकते हो मैं पेड़ के नीचे अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ से हमारा जो कॉलेज है लगभग 100 मीटर दूर होगा, तो हम दोनों साथ में पैदल यहाँ से जाएंगे। और 10:30 बजे अभी हमारा लेक्चर है। उम्मीद है कि आज शाम तक अपने स्टेट की काउंसलिंग का भी नोटिस आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद देखते हैं अब फ्यूचर, अगले 3 साल मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ या वापस अपने हिमाचल में, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा व्लॉग के साथ साथ। तो ठीक है गाइस, अभी फ़िलहाल मैं अपने फ्रेंड का वेट करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ अपने लैब, फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। तो गाइस आज फाइनली 32 दिनों बाद मेरे अपने हिमाचल यूनिवर्सिटी का नोटिस आ गया है और वहाँ पर मुझे सीट मिलने जा रही है, यानी कि अब मैं अपनी PhD हिमाचल से ही कर पाऊँगा। तो आज मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से निकलवाने हैं और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। कल सुबह मुझे जाना है वापस हिमाचल की तरफ, कल सुबह 7 बजे मेरी ट्रेन है अकोला से दिल्ली के लिए। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने और कुछ मुझे जीरोक्स भी करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये है मेरा फ्रेंड वैभव साकरे और ये यहाँ पे मेरा बैचमेट था। तो अभी काफ़ी याद आएगी इसकी जब मैं जाऊँगा यहाँ से। तो और आज हमारा लास्ट दिन है साथ में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, याद आएगी, छोड़ के जा रहे हो, याद करेगा मेरे को, तू भी याद कर लेना। अरे याद, तेरी याद तो आएगी यार, तू बता क्या बता, मेरी याद आएगी? हाँ बहुत अच्छा है तू। चल कांटेक्ट में रहेंगे हम, ठीक है। और ये जगह भी काफ़ी याद आएगी, अब बहुत ही प्यारी जगह थी, बस गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बाकी अच्छी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ और डिपार्टमेंट में मुझे कुछ एप्लीकेशंस लिखनी है ताकि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे सबमिट किया वो वापस मिल जाए। और उसके बाद आज मैं सभी टीचर्स अपने जूनियर सीनियर्स से मिलकर जाऊँगा यहाँ से। तो आज का पूरा दिन मैं इसी के लिए डेडिकेट करूँगा। मेरे पास ऑप्शन था आज टिकट बुक करने का, तो मैंने कल वाला चूज़ किया क्योंकि मैं एक दिन सबसे मिलकर जाना चाहता था, मैं हड़बड़ी में जल्दी जल्दी यहाँ से नहीं निकलना चाहता था, तो इसीलिए आज का पूरा दिन इस काम के लिए है। और कल सुबह मेरी ट्रेन 7 बजे है यहाँ अकोला जंक्शन से। तो बाकी की जर्नी भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, शायद इस व्लॉग में नहीं अगले व्लॉग में वो सब कुछ आपको दिखेगा, पर फ़िलहाल हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ। आपको सभी सीनियर जूनियर से मिलवाऊँगा अभी, तो चलिए आपसे मिलता हूँ लैब में। सो गाइस ये थी हमारी प्यारी लैब और इस सीट पे मैंने पूरा एक महीना बिताया, यहाँ पर डेली मैं जब भी आता था तो इस सीट पे बैठता था और यहाँ पे सामने सचिन सर, वहाँ पे अश्विनी मैम और श्रेष्ठा सर भी यहाँ पे बैठते थे। और इस जगह हमारे जूनियर्स सीनियर्स सब लोग, काफ़ी मेमोरीज जुड़ गई इस जगह से। और अभी हम चलते हैं फ़ोटोशूट के लिए क्योंकि आज स्मिता का बर्थडे था और ये मेरा पार्टनर वैभव। चल चल अंदर चल। तो गाइस आज ये लास्ट दिन है मेरा इस लैब में, इस लैब को काफ़ी याद करूँगा मैं और यहाँ के जो मेरे जूनियर्स और सीनियर्स उनको भी काफ़ी याद करूँगा क्योंकि इनके साथ काफ़ी मेमोरीज बन चुकी है मेरी। और सब लोग जूनियर्स सीनियर्स सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये सचिन सर, इनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि इनकी वजह से ही मैं इस यूनिवर्सिटी में आया और एक महीने में जो भी मेमोरीज बनी है वो आपकी वजह से थी सर, थैंक यू सो मच। और सर ने काफ़ी हेल्प किया मेरी यहाँ पे। और ये मेरे जूनियर्स ऋषि, राहुल और क्या नाम है, तुषार, इसका नाम मैं भूल गया। तो गाइस आज ये लास्ट दिन है मेरा अकोला में, काफ़ी मिस करूँगा सबको और बहुत मज़ा आया पिछले 1.5 महीने में यहाँ पे। I criticized myself for trusting
confusing lies. I know I can't hide. Cause then I'd be alone stuck on the. अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सर काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ट्रेडिंग को लेके. सो गाइस, अब इस जगह को बाय कहने का टाइम आ गया है. एक महीने बाद मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ और काफ़ी याद आएगी इस जगह की, इस यूनिवर्सिटी की. जितनी यादें इस यूनिवर्सिटी में मैंने एक महीने में बना ली हैं, शायद ही किसी और जगह इतने जल्दी इतने कम टाइम में मुझे इतनी अटैचमेंट हुई हो किसी जगह से. बट बहुत ही अच्छी जगह थी, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे. और ये है शेतकरी सदन जहाँ पर मैं पिछले एक महीने से रुका हुआ था. और अब इस जगह को छोड़ने का टाइम आ गया है और काफ़ी इमोशनल भी मैं भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह से काफ़ी ज़्यादा मेरी अटैचमेंट हो गई थी और काफ़ी मिस करूँगा इस जगह को मैं. और यहाँ के लोग, ख़ासतौर पे मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, मेरे टीचर्स और इस शेतकरी सदन में जो भी यहाँ का स्टाफ है जिन्होंने इतनी सारी हेल्प की है मेरी, कभी भी इतना महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने स्टेट के बाहर आया हूँ. और काफ़ी फ्रेंडली माहौल मिला यहाँ पर. तो गाइस, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ और काफ़ी दुख भी है कि मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ. और तो ठीक है गाइस, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही. Break by break, I built these walls, now I